नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं संदीपन बैनर्जी के साथ और मैं बिमल जी के साथ। नमस्कार, पहले तो दोनों चैनल के दर्शकों को नमस्कार। बिमल जी, हमारा जो एक्सपेरिमेंट, 4 दिन से हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट काफ़ी सखा, मेरे चैनल में तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप मेरे चैनल्स में भी बहुत कमेंट ही आ रहे हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, बट चलिए कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में वो इशू भी शॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन आज तो इंडियन टीम भी तो अच्छा कर रही है। इंडियन टीम ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसका फल उनको मिल रहा है। तो क्या कैसे देखते हैं आप सिचुएशन? मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग पहले दिन से, हम लोगों को लग रहा था कि शायद इंडिया जो है, इस मैच को पहले दिन देखने के बाद आपको लगा हम बहुत पीछे चले गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की ये खासियत होती है, ये आपको अलाउ करती है कि आप कम बैक करें सेशन बाई सेशन। और इंडिया ने दिन बाय दिन कम बैक किया है, दूसरे दिन कम बैक किया, तीसरे दिन कम बैक किया, चौथे दिन कम बैक किया है। और मुझे लगता है इस 3-9 दिनों के कम बैक करने के बाद जो मोहम्मद शमी ने कहा, आपने सुना ही है, लगातार इंडियन प्लेयर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने नेगेटिव बातें नहीं किया। शार्दुल ठाकुर की आए थे, उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी से पूछा, उन्होंने बोला 100% हम लोग जीत के ले जाएंगे, मैं विनिंग शॉट लगाऊंगा। तो ये देखिए, कहने को सिर्फ ऐसे, इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कि मोहम्मद शमी आके कह देंगे मजाक, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसी चीज़ें आप कहोगे हल्के में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये आप जानते हो कि ये ब्रावाडो नहीं था, कॉन्फिडेंस है। एब्सोल्युटली। और जैसे कि आज बहुत कुछ देखने को मिला ग्राउंड में, चलिए कैच के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके ऊपर भी चीटर लोग चिल्लाने लगे यार ऑस्ट्रेलियंस को। आप आज हमें एक्चुअली 2-3 फैंस मिले थे, वो तो कह रहे थे कि डेविड वार्नर ने उनको कहा कि ये नॉट आउट था। हाँ, हम जानते थे, सब पूरा टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम जानता था वो नॉट आउट था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ये गड़बड़ हुआ। देखिए, मुझे लग रहा है 50-50 का कॉल था जो दिनेश कार्तिक ने कहा कि अगर आप इंडियन समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हुए, अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं हम सही थे। लेकिन यहाँ पर तो जो सब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो है, जो जिस उनका पूरा कंट्रोल नहीं था, कैच उन्होंने लिया, लेकिन जब वो कैच लेने के बाद वो बॉल, तो ग्रीन ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, ग्रीन ने तो वही, वो उसमें उनके फेस में एक चीकी स्माइल था कि भाई हाँ वो हुआ, मैं क्या कर सकता, हमने कैच लिया, थर्ड अंपायर एग्रीड, ही सेड कि थर्ड अंपायर एग्रीड। तो वो, लेकिन उनके वो जिस तरह से हंसे उससे उनको भी, मतलब मैं तो कम से कम उनके स्टेटमेंट से ये मुझे लगा कि ठीक है यार, हम क्या करें, हमने तो कैच का क्लेम किया, हमको उस समय लगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम इसी इंग्लैंड का याद है, धोनी एन बल आउट, अंपायर आउट दे दिए थे, धोनी ने क्या किया ब्रेक के बाद, उसको बोला, हाँ बुलाया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या आपको लगता था वापस बुलाया? ऑस्ट्रेलिया ऐसे मैच में कहाँ से बुलाएगा, हालांकि 444 रन है, लेकिन संदीपन लग नहीं रहा कि इंडिया को 444 यानी 444 का टारगेट मिला है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया 344 चेस कर रही थी, जो पॉजिटिव इंटेंट, मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी में रहा था, लेकिन मेरे को भी सरप्राइज किया जिस तरह से रोहित ने बैटिंग की एज ए कैप्टन। एंड आई थिंक, सोचिए 280 रन हमें चाहिए अभी भी, लेकिन अगर वो रोहित शर्मा और पुजारा सॉफ्ट डिसमिशल ना होता तो हम अगर हम 154-1 रहते पूरे दिन के, खत्म। चलिए देखिए, वो तो हाइंडसाइट इज ऑलवेज बेटर। और देखिए, रोहित और पुजारा ये कहेंगे, उनका तर्क ये होगा कि भाई हम पॉजिटिव माइंडसेट से खेल रहे थे तभी रन आए। आपने पहला पुजारा को तो मैं पुजारा भी वो शॉट खेलते हैं, गाबा में खेला है। आप आज बैठ के गाबा का वो फिफ्थ डे का वीडियो देख रहा था, हाइलाइट्स देख रहा था, पुजारा ने उस शॉट से रन बनाया, रन बहुत बार रन बनाया उन्होंने, साउथ अफ्रीका में बनाया, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया है। तो वो होता है किसी किसी दिन, हालांकि वो खुद से मायूस होंगे। देखिए, पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें, वेदर, कल का वेदर वार्निंग इशू हुआ है यहाँ पर। वेदर वार्निंग का मतलब है यहाँ पर जो अथॉरिटीज है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेवी रेन होगा, हेल स्ट्रोम होगा। वेदर रिपोर्ट, देखिए वेदर, अब मुझे नहीं लग रहा कि दोनों टीमें भी वेदर के बारे में सोचेंगी, टीमें दोनों टीमें अगर सोचेंगी तो सिर्फ एक और एक बंदे के बारे में, वो है विराट कोहली। आपको क्या लगता है विराट कोहली के लिए, विराट जिस तरह के प्लेयर हैं, चैंपियन प्लेयर हैं, ही लव्स ग्रैंड स्टेज, ये ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ ऑल है। वो पाकिस्तान वाला चीज याद है, मुझे भी वही लग रहा है, मुझे लग रहा है हम थे वहां पर दोनों, तो मेरे लिए तो यार बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। वो मैच भी गॉन, एक टाइम पे लग रहा था कि खत्म हो गया था, हाँ उसको बना दिया। तो मुझे भी लग रहा है। और विराट के लिए देखिए, विराट की अगर आप बात करेंगे ना, टेस्ट क्रिकेट की उनकी जो एक हाईलाइट, मुझे लगता है कि उनके करियर की ये डिफाइनिंग इनिंग होगी। एक जो चीज़ है कि भाई ICC ट्रॉफी नहीं जीते हैं, कप्तानी में नहीं जीते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर विराट एक शानदार पारी खेलेंगे, इट विल बी डिफाइनिंग इनिंग। एंड अजिंक्य रहाणे ऑफकोर्स,
देखिए वो T20 था, यहाँ टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर सेशन बाई सेशन आपको अप्रोच करना 280 रन बहुत होते हैं। ये 280 रन बहुत होते हैं, तो आपको सेशन बाई, पहले तो हमारा ये मुझे जो लग रहा है कि लक्ष्य होना चाहिए कि नेक्स्ट 80 रन तक कोई विकेट ना जाए, तो हम जब ही वो टारगेट 200 के नीचे आ जाएगा ना, साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो क्रॉस हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा रैटल दी, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, बॉलिंग बॉलर्स भी मुझे फिट नहीं लग रहे हैं, मैच फिट नहीं लग रहे, कितने नो बॉल्स डाल रहे हैं वो। और सबसे बड़ी चीज है देखिए संदीपन, 200 कहने को 280 का चेज है, ऑस्ट्रेलिया 280 का स्टार्ट जो करेगा, स्टार्ट करेगा तो वो फेवरेट है 60-40, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर 70-80 रन की पार्टनरशिप हुई और हो गई, आप जहां 200 से नीचे आ गए, वही मैं बोल रहा हूं साइकोलॉजिकल, तो उसके बाद जो है ना मैच 50-50 हो जाएगा, मैच फिर दोनों पर दबा, फिर उसके बाद क्या होगा कि एक साझेदारी हो रही है, 40-50 की साझेदारी होगी तो इंडिया फेवरेट होगा, फिर एक विकेट गिरेगा। और मैच देखिए, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ संदीपन, मैच जो है आखिरी सत्र में फैसला होगा, और अगर इंडिया अगर जीतेगा भी, मैं तो मुझे लगा का रूल भी दर्शकों को समझा देता हूं। अगर रिजर्व डे ओनली इन कम्स, अगर कोई वेदर इंटरप्शन बारिश के चलते, तो अगर बारिश के चलते कल हमें 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर हम गवाए भी, तो छठे दिन का खेल होगा चांसेस हैं, तो इसीलिए तो मैंने अपना टिकट जो है जानबूझ के एक दिन ज्यादा रखा, मैंने 12 तारीख तक रखा था, हाँ कि भाई जरूरत पड़ सकती है, इंग्लैंड में आप रेन के साथ चांस नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन, एक और चीज है जो मुझे लगेगा, मुझे लग रहा है होगा, सेकंड न्यू बॉल बहुत बड़ा नहीं, तो लेकिन अभी 40 ओवर तो अभी है ही ना, 40 ओवर, 40 ओवर में भाई आप 40 रन बटोर लो, 40 ओवर का मतलब है 30 ओवर लंच से पहले, जी हाँ 30 ओवर में अगर आपने विकेट नहीं गिरने दिया, 25 ओवर करेंगे, 22 ओवर, 25, फिर अब लंच के बाद भी अगर आपने 15 ओवर बैटिंग किए या 10 ओवर बैटिंग किए, तो अच्छा टाइम निकाल दिया ना आपने, फिर नई गेंद आएगी। लेकिन नई गेंद, मुझे एक और जो लग रहा है नेथन लायन के लिए जो, हाँ नेथन लायन, लेकिन कोहली ने नेथन लायन को अच्छा खेला है, जी हाँ कोहली बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन जब जडेजा बैटरीज में आएंगे, लेफ्ट हैंडर्स की ऑफ स्टंप के बाहर बहुत रफ है, वहां से नेथन लायन अगर टर्न करना, तो एक ही तो लेफ्ट हैंडर है हमारी बैटिंग में, जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में, तो हो सकता है कि ये लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जडेजा उनको नहीं फेस करे, ये भी तो कर सकता है कोहली जो राइट हैंडर है, वो स्ट्रेटेजी तो यही बनाएंगे ना, एक आध गेंद तो आएगा, और इतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि ये वो जो आप हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कह रहे, अभी भी कह रहे हैं, वन लास्ट एफर्ट हमको चाहिए। मुझे देखिए, मुझे सारे प्लेयर्स डिटरमाइंड, आप सारे प्लेयर्स देखिए सोशल, मैं एक आप इतना पहले एक बात, एक संदीपन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को याद नहीं है, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा, मैंने ग्रेजुएशन इतिहास में किया है, तो मैं हमेशा इतिहास का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। ओवल के इसी मैदान पे इंडिया को 4 मेरे ख्याल से 29 का चेज मिला था 1979 में। अच्छा अच्छा, सुनील गावस्कर ने 221 रन की पारी खेली थी, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट। इंडिया मैच नहीं जीत पाया था, 8 या 9 रन से चूक गया था, ड्रॉ हुआ था। मुझे लग रहा है उसी तरह की, क्योंकि वो उससे बड़ा चेज उस समय नहीं हुआ था, यहाँ पर वैसा चेज 444 हुआ नहीं है। इंडिया के अलावा कोई दूसरी टीम रहती तो शायद एक इंग्लैंड की टीम ऐसी, और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, रिसेंट एग्जांपल 2018 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया को टारगेट मिला था 464 का, उस रन को चेज करते हुए इंडिया ने 3 विकेट जल्दी गवा दिए, उसके बाद केएल राहुल ऋषभ पंत ने मैच बनाया था, इंडिया एक टाइम पे ऐसा भी पहुंच गया था 325/5, 464 आप चेज कर रहे हो, आपका स्कोर हो गया, वहां से मैच हम हार गए हालांकि, लेकिन ओवल में फोर्थ इनिंग्स में रन चेज होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं, और विकेट जो है मुझे लगा कि विकेट बेटर हो गया है। देखिए जितने लोग हैं इनको ये बता दें कि ये जो विकेट जो है पहले से जो हम लोग को डर लग रही थी, एक आध गेंद उठेगी तो चोट लगेगा, टेस्ट मैच में 5 गैबा में भी उठा, गैबा में भी उठा था, लेकिन ये विकेट बुरा नहीं है। अगर मुझे लग रहा है पूरा खेल जो है ना दारुमदार है, और ये अच्छी चीज़ है इंडियन टीम ने पॉजिटिविटी बनाए रखी है, जी हाँ लगातार इंडियन टीम पॉजिटिव है, जी हाँ वो, और ये पॉजिटिविटी मुझे लगता है, और विराट तो खुद पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, रहाने पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, तो मुझे तो पता नहीं परसेंट चांसेस लग रहा है इंडिया का, 40% ईमानदारी से कहूँ मैं, 40% अभी आज के डेट में 60 ऑस्ट्रेलिया 40 इंडिया, मैं भी अराउंड 35-40% इंडिया को चांस दूंगा, डिपेंड करता है कि इंडिया फर्स्ट सेशन कैसे खेले, और हमारा लोअर ऑर्डर देखिए बैटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जो प्रेशर, अंडर प्रेशर होगा, चलिए शार्दुल के आप भरोसा कर सकते हो, आप वहाँ पर जडेजा होंगे, केएस भरत के बारे में, केएस भरत के लिए बहुत बड़ा इनिंग्स होने वाला, देखिए सबके लिए मेक और ब्रेक काइंड ऑफ इनिंग्स, केएस भरत अगर को अपना करियर रिसरेक्ट करना है, क्योंकि उनकी तुलना होती है ईशान किशन से, ऋषभ पंत से तो किसी की तुलना नहीं हो सकती है,
इस टेस्ट मैच में ईशान किशन को दरकिनार करके उनको मौका दिया गया था। विकेट कीपर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रही है, यहाँ पर उनको पहली इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बॉल अच्छा मिला था, बॉल अच्छा मिला था। के एस भारत अगर अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, रविंदर जडेजा जानते हैं कि पहली इनिंग उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। अपने जो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हैं के एस भारत, कप्तान है, इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेलते हैं, टेल के साथ बैटिंग करते हैं, 6 फर्स्ट क्लास 100 है उनके। चलिए उम्मीदें हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं रहाणे और कोहली से। वो तो पूरे देश को होगा, हाँ, लेकिन हमें अब सेशन बाय सेशन खेलना है, हाँ। हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बिल्कुल ऐसा देखना है कि चलो नेक्स्ट 50 तक हम एज ए बैटिंग यूनिट हमें डिटरमाइन करना है कि नेक्स्ट 50 तक वी क्या, हालांकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए हमारे दर्शकों के लिए हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं आखिरी में चलते चलते मैं एक चीज़ बता दूँ, मैथ्यू हेडन ने कहा कि अगर इंडिया जीत जाती है मैच तो लंदन शहर जो है भारतीयों के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। और मैं दो का नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल मुझे याद आ रहा है, वो वहाँ पर भी टफ चेस था, तब के जमाने में 325 मतलब कोई सोचा भी नहीं था। उस जीत के बाद जैसा नजारा हमें लंदन में देखने को मिला था, हालांकि हम तो टीवी में देखे थे, लेकिन वैसा कुछ उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है संभावना। और मैं लगातार बार बार अपने चैनल में तो पॉजिटिविटी को प्रमोट करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ आइए और आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा डिस्कशन, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। कल हम लोग उम्मीद करते हैं जीत के बारे में चर्चा करेंगे, हम व्हाट वेंट रॉन्ग की बात नहीं करेंगे, व्हाट वेंट राइट उसकी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि कल भी हम पॉजिटिव रहें, जीते जी, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए, थैंक यू सो मच।